हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। आज का जो दिन है, सुबह उठते ही सबसे पहले तो लाइट गुल थी, गीज़र नहीं चल रहे थे, तो नहाना भी नहीं हो पाया। ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है यहाँ पे कि मतलब नहाने के बारे तो ठंडे पानी से भरे बंदा सोच ही नहीं सकता। अदरवाइज वैसे तो ठंडे पानी से नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है, ठंड भी बहुत है। और जैसा कि आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ कि देखिए बाहर का ज़रा कि नज़ारा क्या हाल हो रखा है। कल से कंटिन्यूस इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे कि बिल्कुल ही बेहाल हो चुका है। मैं अभी अपनी छत का थोड़ा सा इंस्पेक्शन करने आया था कि देखता हूँ छत पे पानी कितना खड़ा है, तो ये देखिए। ज़रा सफाई कर ली जाए इसकी, ज़रा ब्लॉकेज बहुत रखा हुआ है, निकालूंगा तभी बात बनेगी। अब निकलना स्टार्ट हो गया ना, ये एक्चुअली पक्षी सारे आपके ऊपर छत पे बैठते हैं ना। उठ जाओ बच्चों, सीधा उठ जाओ, देखो सुबह हो गई, लाइट आज फिर नहीं है। उठो 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 उठो, सिदक और सिदक पाजी, उठो सिदक। अभी नींद में है सारे लोग, अभी नहीं उठने वाले इतने जल्दी नहीं। चलो उठो उठो, थोड़ी थोड़ी देर में उठो, फिर नीचे आओ सारे दोनों, ठीक है? फिर देख बताओ क्या ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। चलो आओ नीचे दोनों। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं गुरुद्वारा साहब नहीं जा सका था, तो नगर कीर्तन अब हमारी गली से ही होता हुआ जा रहा है, तो ये आपको नगर कीर्तन के दर्शन भी कराता हूँ। और मैंने तो मत्था टेक लिया है, अब आप भी अपनी हाजिरी लगाएं। ये देखिए गुरु साहब की नगर कीर्तन हमारी गली से निकल रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये पांच प्यारे सजे हुए हैं, पांच प्यारे जा रहे हैं, और ये गुरु महाराज की सवारी जा रही है। यहाँ पे हमने मत्था टेक लिया, आप भी मत्था टेक लो। गुरु महाराज जी सब पे मेहर करे, सबको बरकत दे, सबको सुख सुविधा दे। गुरु महाराज मेहर करे, उनको बरकत कर। गुरु महाराज वाहेगुरु 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 जी। संगत वैसे काफ़ी होती है, ज़्यादा होती है, पर आज मौसम थोड़ा डिस्टर्ब की वजह से नगर कीर्तन भी मतलब काफ़ी, मतलब जो संगत की जो संख्या होती है काफ़ी कम है, तो संगत तो है। चलो गुरु महाराज कृपा करे, अगले साल इसे बढ़िया नगर कीर्तन निकलेगा। तो सिख संगत की श्रद्धा है। ये देखिए बीबियों का जत्था जो है कीर्तन करता जा रहा है पीछे से, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर जी। वाहेगुरु जी कृपा करण जी। तो आप सबों को ये गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिहाड़े की बहुत बहुत बधाई हो जी। तो कल की, जैसे मैंने बताया था, कल गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस जो है वो गुरुद्वारा साहब में मनाया जाएगा, तो मैं कल आपको गुरुद्वारा साहब के भी दर्शन कराता हूँ, और वहाँ का जो जैसे प्रोग्राम होगा वो आपको दर्शन कराता हूँ मैं, ठीक है? आज का फिर ब्लॉग में